હેલો બાળ મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? અબ તક હમારે પાસ ગુજરાતી કી બુક્સ નહીં થી, ઇસીલિયે મેં અદર બુક્સ સે આપકો પઢાતી થી. અભી સબકે પાસ પ્રોપર બુક આ ગઈ હે, તો હમે વહી બુક સે પઢના હે. ઓકે, તો આજ હમ પઢને વાલે સબ્જેક્ટ ગુજરાતી કા, સ્ટેન્ડર્ડ હે 4th, ચેપ્ટર નંબર 1 હે, તમે શું ખાશો? યહાં પે યે ચાલો ગાઈએ ગીતડું. यहाँ पे जो है एक कविता पोएम दी गई है. सो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो ये पोएम को रीडिंग करना है अच्छे से और अपनी लैंग्वेज में अच्छे से गाना है. इससे क्या आप रीडिंग भी थोड़ी प्रैक्टिस होगी और अच्छे से पढ़ना भी सीख सकते हो. और आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप आपके पेरेंट्स की मदद लेके भी कर सकते हो. ओके, फिर नेक्स्ट है वार्ता सांभळो. ये वार्ता मतलब, वार्ता का मतलब क्या होता है? स्टोरी. यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको मजा आएगा क्योंकि कार्टून्स की स्टोरी है ना, जैसे छोटा भीम आ गया, मंकी है, पैरोट है, गोट है, बिल्ली मौसी है, इन सब के रिलेटेड यहाँ पे दावत में, उनको खाने की दावत में बुलाया जाता है, तो आपको बहुत मजा आएगा. ओके, चलो देखते. मयूरपुरीमा पार्टी, मतलब वो एक गाँव है, गाँव का नाम क्या है? मयूरपुरी. એકલા એકલા જમવામાં સિમરન બકરીને મજા ન આવી. તેને થયું ચાલ બધાને જમવા બોલાવું. એકલા એકલા જમવામાં સિમરન નામ કી જો લડકી, એકલા એકલા મીન્સ અકેલે અકેલે ઉસકો ખાને મેં મજા નહીં આવી, તો ઉસને એસે સોચા ચાલો બધાને જમવા બોલાવું, સબકો ક્યા હૈ ખાને પે મેં આજ બુલાતી હું. મયૂરપુરીમાં તો આનંદ આનંદ થઈ ગયું. મયૂરપુરી મેં ક્યા હો ગયા? આનંદ હી આનંદ હો ગયા. બધા બની ઠનીને ભેગા થવા લાગ્યા. सब लोग क्या है, बन ठन के जमा होने लगे. भेगा थवा मीन्स जमा होने लगे. तैयार थवा में सवार ना नाश्तो करवानो भूल ही गया था. तैयार होने में क्या है, सुबह का नाश्ता करना ही भूल गए थे. बधाती पहला लांबू कबूतर छानू मानू आवी गयू. सबसे पहले कौन आया था? लांबू कबूतर. छानू मानू यानी चुपचाप आके वहां बैठ गया. लालिया बड़दना गाड़ा मां कोमड़ी मर गई अने मिनी बिल्ली आईवा. फिर वहां पे कौन आया? कोमड़ी यानी मुर्गी. कोमड़ी मुर्गी यानी मुर्गा, मुर्गी आई. और कौन आया फिर? बिल्ली, मिनी बिल्ली. तेओ ढोलकपुर थी बढ़िया भीम ने पन लाईवा हता. वो साथ ही साथ किसको लाए थे? भीम. भीम कहाँ रहता है? ढोलकपुर में. ये तो सबको पता ही होगा क्योंकि छोटे थे तब ज़्यादातर छोटा भीम ही देखते थे ना सब लोग. अभी भी मेरे ख्याल से देखते होंगे, है ना. चटपट सुधरी खटपट वांद्रा ने सोधवा में मोड़ी पड़ी. मतलब सबको चटपट सुधरी खटपट वांद्रो, मतलब ये जो वांद्रा है उसको शोधवा में मीन्स ढूंढने में उसको क्या है, मोड़ी पड़ी, मतलब लेट हो गए. पण खट खटखट तो लालियाना गाड़ा पाछड़ लटकी ने आवी गयेलो. पर वो क्या है, गाड़ी को लटक के क्या है वहाँ पे आ गया था. डिपू सियाड़ानी गुफा दूर हती एटले एने वार लागी. डिपू सियाड़ा की क्या है, मतलब वो गुफा जो थी उसकी वो दूर थी, इसलिए उसको क्या है टाइम लगा. बधा डाइनिंग टेबल पर जमवा गोठाव्या. भूख तो ककड़ी ने लागी हती. सब क्या है डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए अच्छे से बैठ गए और सबको भूख ककड़ी ने लागी थी, मीन्स बहुत जोरों शोरों से सबको भूख लगी थी. पण सिमरन भोजन फिर से तो जमाए ने. पर ये जो बकरी है, सिमरन नाम है उसका, भोजन पिरसे यानी भोजन परोसेगी तभी तो सब खाना खाएंगे ना. त्या तो अम्मन चम्मन गुड़ के लड्डू कर तो झुमरू जोकर आयो. वहाँ पे थर्ड स्टैंडर्ड में ये जो है स्टोरी है, अम्मन चम्मन गुड़ के लड्डू झुमरू जोकर, जोकर का नाम है झुमरू, वो वहाँ पे आता है. लाडू नु नाम सांभळी बधाने थयुं हवे सिमरन भोजन पीरसे पण तेमा तेम न थयुं. लड्डू सुन के क्या है, सबके मुंह में पानी आ गया. और क्या बोल रहे थे सभी सब कि अब तो सिमरन भोजन पीरसे यानी भोजन जो है वो परोसे. सीमी बाई तो हजू पण कोई नी राह जोता था. सीमी बाई मीन्स वो सिमरन जो है अभी भी क्या है किसी की राह देख रही थी. अचानक वेरी गुड करतू पतंगियों आयु ने बधाने काने काने फरी ने केम छो मजामा कही गयू.
अचानक क्या है, वेरी गुड बोलते हुए क्या हुआ, एक पतंग आई, पतंग यानी बटरफ्लाई, और सबके कान में क्या है घूम घूम के, केम छो मतलब कैसे हो सब लोग, मज़े में तो हो ना, इस तरीके से कही गई, मतलब इस तरीके से कह रहा था, ये देखो पतंग इसको कहा जाता है। ओके सिमरन बोली, वाह बदा आवी गया। सिमरन ने क्या कहा, अरे वाह सब लोग आ गए। सांभळी ने बदा ने थयू, सब सुन के सबको लगा हवे जमवानू मरसे, सबको क्या लगा कि अभी सब लोग शायद सिमरन के ख्याल से आ गए, तो अभी क्या है सबको ऐसे जान में जान है कि अभी खाना खाने को मिलेगा, क्योंकि सबको बहुत जोर से भूख लगी थी ना, तैयार होने के चक्कर में नाश्ता भी नहीं किया था। त्या तो झुमरू हुबो थयो कहे, फिर उतने में क्या है झुमरू खड़ा हो गया और बोलने लगा, अमन चमन गुड़ के लड्डू सिमरन बधाने रसोई पिरसू। अमन चमन गुड़ के लड्डू सिमरन को बोल रहा था, मतलब मुहारवा के तौर पे बोल रहा था कि अभी सिमरन सबको रसोई रसोई यानी खाना परोसो। भीम ने थयू, झुमरू बधी रसोई छूमंतर करी देशे, तो फिर भीम को ऐसे मन ही मन लगने लगा कि झुमरू जो है जो करे अगर वो सब खाना बनाए हुआ छूमंतर यानी गायब कर देगा तो। सिमरन कई बोली, ए पहला पहला झुमरू कहे, सिमरन कुछ बोले उसके पहले ही क्या है झुमरू कहता है। झुमरू कहे, चटपट खटपट लेशो सू कोमड़ी लालिया मीना बाई तू पिरसी दई दऊ के करी दऊ छू। बधाए एक सामटी बूम पाड़ी, ना ना झुमरू ना, पछी तो झुमरू हंसतो जाए ने चपटी वगाड़तो जाए। मतलब यहाँ पे क्या है झुमरू थोड़ा मनोरंजन उनका कर रहा था। ओके पछी तो झुमरू हंसतो जाए ने चपटी वगाड़तो जाए, झुमरू क्या है हंसता जा रहा था और चिपटी मतलब ऐसे चुटकी बजाते उसको चपटी वगाड़तो जाए। जेम चपटी वागे तेम बधानी थाड़ी में भोजन पिरसतो पिरसातो जाए, जैसे ही चिपटी मतलब जैसे ही चुटकी बजती है उसी साथ ही साथ क्या होता है थाली में सबके भोजन पिरसता है। आहा आहा इस तरीके से सब बोलते, जैसे यहाँ पे सूचना दिए शिक्षक के पहली लीटी वाची ने विद्यार्थी ने सूचना आपी के बीजी लीटी थी तेमने आहा आहा बोलवो, पांचवी छठी चपटी है खाली जगह है शिक्षके पोतानी गमती वानगीनु नाम बोलू बोली बोली लेवू, त्यार बाद विद्यार्थियों ने खाली जगह पोतानी गमती वानगीओं नाम लखवा कहे छे। शिक्षक मतलब यहाँ पे शिक्षक के माध्यम से आपको बताना है कि जैसे पहली चपटी आती चपटी चुटकी बजाने के बाद जो भी आता है तो सब लोग क्या बोलते हैं वहाँ आहा आहा ऐसे बोलते हैं, तो आपको भी इस तरीके से बोलना है। और यहाँ पे पांचवी और छठी में खाली जगह छोड़ी है, यहाँ पे आपको आपकी जो मनपसंद चीज़ है वो उसका नाम लिख के फिर बोलना है। पहली चपटी है पूरन पोड़ी आहा आहा, बीजी चपटी है बटाका वड़ा ओहो, फिर तीसरी बार क्या आता है त्रीजी चपटी है टमेटा सॉस अरे वाह, फिर चौथी चपटी है चूरमाना लड्डू, फिर पांचवी चपटी आपको जो पसंद आए वो यहाँ पे लिखना है और छठी में भी इसी तरीके से करना है। सातवीं चपटी है सिंह आया अरे बाप रे, सातवीं बार जब चुटकी बजे तब वहाँ पे कौन आ जाता है सिंह। बधाई बुमा बुम करी मुकी भागो भागो नहीं तो जिमी सिंह आपनो नाश्तो करी जैसे भागो भागो, तो सबने क्या है एक साथ चिल्लाए कि भागो भागो नहीं तो क्या है जिमी सिंह, उसका नाम क्या था जिमी सिंह, हम सुबह का हमें क्या है नाश्ता बना लेगा। फिर इस तरीके से क्या है वहाँ पे सब थाली छोड़ के सब डाइनिंग टेबल पे सब बिखर जाता है और सब लोग क्या है भागने लग जाते। झुमरोए आठवीं चपटी वगाड़ी बधा छू, बधा जो मयूरपुरी माथी पतरंगा पार्क में आवी गया। आठवीं चुटकी बजाते ही झुमरू ने जब बजे तो वहाँ पे क्या है सब लोग छू हो गए भाग गए और मयूरपुरी में से वो क्या है कहाँ आए पतरंग पार्क में आ गए और इस तरीके से उनकी पार्टी भी पूरी हो गई और बहुत ही यादगार रह गई, यादगार ही हो गई ना, जान बचा के सब भाग गई, नहीं तो फिर कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती। इस तरीके से ये स्टोरी में हमें कॉमेडी मतलब थोड़ा अच्छा बताया है और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आए तो ये वीडियो आपको दोबारा देखना है और अच्छे से समझना है। ओके थैंक यू।